दोस्तों, टीवी इंडस्ट्री में हमें कई सीरियल्स में कई खूबसूरत जोड़ियां देखने को मिलती है, जिनमें से कुछ सीरियल में साथ काम करने के दौरान ही एक दूसरे को अपना जीवन साथी भी चुन लेते हैं, जिसके बाद इन्हें ऑन स्क्रीन तो पसंद किया ही जाता है, साथ ही इन्हें ऑफ स्क्रीन भी खूब पसंद किया जाता है, जिसके चलते ये जोड़ी अक्सर लाइमलाइट में बनी रहती है। लेकिन जहां हमें एक तरफ खूबसूरत जोड़ियां देखने को मिलती है, तो वहीं टीवी जगत के कई कलाकारों की प्यार की दास्तां बेहद दुख भरी है। इन्हें अपने प्यार को आधे अधूरे मोड़ पर ही खत्म करना पड़ा। हालांकि इनके ब्रेकअप की वजह अलग अलग है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। हालांकि इनका प्यार परवान तो चढ़ा, लेकिन मुकम्मल न हो सका। जिनमें से आज कुछ ने अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया है, तो कुछ अभी भी सिंगल हैं। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टीवी जगत की कुछ ऐसी ही जोड़ियों के ब्रेकअप की वजह बताने वाले हैं, जिनके प्यार की दास्तां आधे अधूरे मोड़ पर ही खत्म हो गई। तो आइए जानते हैं टीवी जगत की जोड़ियों के बारे में। नंबर 5, सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत फिलहाल आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत और अंकिता लोखंडे के प्यार की दास्तां ने खूब रफ्तार पकड़ी थी। बता दें, दोनों ने सीरियल पवित्र रिश्ता में अर्चना और मानव की भूमिका निभाकर दर्शकों से खूब सुर्खियां बटोरी थी, और यहीं से शुरू हुई थी इनके प्यार की कहानी, जो लगभग 6 सालों तक बनी रही। लेकिन बीतते समय के साथ साथ दोनों के बीच फासले भी बढ़ने लगे। कहा जाता है कि सुशांत के फिल्मों में आने के बाद दोनों की नजदीकी कम सी हो गई थी, जिसके चलते इस खूबसूरत जोड़ी ने रिलेशनशिप के 6 साल बाद ही इस रिश्ते को खत्म करने का फैसला किया। हालांकि सुशांत से ब्रेकअप के बाद अंकिता लोखंडे आज भी सिंगल हैं। नंबर 4, रुबीना दलाइक और अविनाश सचदेव। अभिनेत्री रुबीना दलाइक और अविनाश सचदेव की प्यार की दास्तां आज भी किसी से छिपी नहीं है। इन्होंने साल 2008 में प्रसारित हुए सीरियल छोटी बहू में साथ अभिनय करते हुए एक दूसरे को अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया था, जिसके बाद इन्होंने तकरीबन 5 सालों तक एक दूसरे को डेट किया और दोनों की जोड़ी को खूब पसंद भी किया गया। लेकिन बताया जाता है कि अभिनेता अविनाश सचदेव ने रुबीना दलाइक को चीट किया था, जिसकी वजह से रिलेशनशिप के 5 साल बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। जहां आज अभिनेत्री रुबीना दलाइक अभिनव शुक्ला के साथ अपनी पर्सनल लाइफ में खुशहाल जिंदगी जी रही हैं, वहीं अविनाश सचदेव ने साल 2015 में शलमली देसाई के साथ घर बसाया था, लेकिन ये इनका रिश्ता 2 साल तक ही चल पाया। नंबर 3, कृतिका कामरा और करण कुंद्रा। साल 2002 में प्रसारित हुए सीरियल कितनी मोहब्बत है में आरोही और अर्जुन की भूमिका निभाकर दर्शकों से खूब पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली खूबसूरत जोड़ी कृतिका कामरा और करण कुंद्रा सीरियल में साथ काम करने के दौरान ही एक दूसरे के करीब आ गए थे और दोनों का प्यार खूब परवान चढ़ा था। लेकिन कुछ सालों तक डेट करने के बाद दोनों के बीच के रिश्ते खत्म होने लगे, दोनों एक दूसरे से खफा रहने लगे, और इसीलिए इन्होंने कुछ सालों बाद ही एक दूसरे को छोड़ने का फैसला किया। हालांकि एक दूसरे से अलग होने के बाद इन्होंने आज भी किसी के साथ अपना घर नहीं बसाया है और दोनों ही सिंगल हैं। नंबर 2, दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा। वैसे तो इस बात से सभी वाकिफ हैं कि अभिनेत्री दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा ने सीरियल बनू में तेरी दुल्हन में मुख्य भूमिका निभाते हुए अपने प्यार की शुरुआत की थी, और ये टीवी जगत की सबसे खूबसूरत जोड़ी मानी जाती थी, जिन्होंने तकरीबन 8 सालों तक एक दूसरे को डेट किया। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करने वाले थे, लेकिन 8 साल की इस रिलेशनशिप ने आधे अधूरे मोड़ पर ही एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। हालांकि इसकी वजह आज भी सामने नहीं आई है, लेकिन एक दूसरे के साथ ब्रेकअप के बाद आज दोनों ही अपनी निजी लाइफ में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, जहां दिव्यांका त्रिपाठी ने अपने को स्टार विवेक दाहिया के साथ घर बसा लिया है, तो वहीं शरद मल्होत्रा भी रिप्सी भाटिया के साथ शादी के बंधन में बंध चुके हैं। नंबर 1, अनिता हंसनंदानी और एजाज खान। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अभिनेत्री अनिता हंसनंदानी और एजाज खान रिलेशनशिप में रह चुके हैं। बता दें, इन्होंने सीरियल काव्यांजलि में मुख्य भूमिका के तौर पर काव्य और अंजलि की भूमिका निभाई थी, और सीरियल में साथ काम करने के दौरान ही दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे थे। दोनों एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन रिलेशनशिप के कुछ सालों बाद ही मानो इस खूबसूरत जोड़ी को किसी की नजर लग गई हो। जी हाँ, एक दूसरे को डेट करने के कुछ सालों बाद ही दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। कहा जाता है कि एजाज खान ने अनिता हंसनंदानी को चीट किया था, जिससे अनिता के दिल को बेहद ठेस पहुंची थी। हालांकि इस ब्रेकअप के बाद अनिता हंसनंदानी ने खुद को संभाला, जो आज रोहित रेड्डी के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। वहीं अभिनेता एजाज खान आज भी सिंगल हैं।
तो दोस्तों, आपको टीवी इंडस्ट्री की इन खूबसूरत जोड़ी की प्यार की दास्तां सुनकर कैसा लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।